A beautiful evening to you all. I, Harshita Rao, a student of class 11D, wholeheartedly welcome you all to our very special assembly this 31st of December 2020. All is set to bid a goodbye to 2020 and ring in 2021 with lots of positivity, hopes and dreams. Today, we are about to witness some great performances, some great talent. So, let us gear up for a memorable evening. Dance is the most beautiful form of expression of human feelings. So, first of all, let us begin with a dance performance by Ekta on the song Teri Mitti. I'm sure this act will encourage us all to fight against all odd circumstances with full determination and willpower. नन्ही सी हसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन साजा बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू truly justifying the character of a dancer. Elegance, poise, strength and agility. Everything. Thank you so much. The beginning of a year without prayers results in a year without blessings. So we have Kashish from class 12 with a poem filled with hopes and prayers that the Almighty will bless our coming year with all the worldly happiness. ये बाहें आज फैला कर करें नववर्ष का स्वागत सभी को यश मिले सम्मान वैभव और धन दौलत भरे मन में नहीं दुर्भावना बस प्यार ही बरसे खुशी से हम
भरेंगे जो बना लेंगे यही आदत, प्रभु से प्रार्थना यही, सभी हंसते रहे हरदम, मिले गम ना किसी को भी, खुशी ना हो किसी की कम, बढ़े सद्भाव ना दिल में न मन में बैर हो कोई, बदले वर्ष 21 में यही बदलाव कर ले हम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कशिश, कक्षा 12वीं की एक छात्रा टीपीएस रिवाड़ी की तरफ से आप सबको नववर्ष 2021 की शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ यह वर्ष आप सबके लिए मंगलमय रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कशिश, योर वर्ड्स हैव गिवन अ ग्रेट स्टार्ट टू आवर न्यू ईयर। नेक्स्ट वी विल हैव सम ऑफ आवर फ्रेंड्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स अबाउट दिस डार्क फेज ऑफ 2020 थ्रू अ पपेट शो। Hello everyone. Today I, Sarthak. I, Mabel. I, Abhimanyu. I, Arunima. We all are going to perform a puppet show on the problems faced by the people in year 2020, and I hope that year 2021 will be better. हस्ती खेलती दुनिया एकदम से थम गई। पता चला जब आया है एक अनजान सा वायरस कोरोना। सनसनी सी मच गई, सारी दुनिया थम गई। दहशत का वक्त आया, सबको घर पर बंद कराया। दफ्तर, बाजार, स्कूल सब बंद हुए। देशबंदी से सब तंग हुए। डर अभी भी बना हुआ था, वक्त जैसे थमा हुआ था। तंगहाली ने आ घेरा, सोशल डिस्टेंसिंग ने डाला डेरा। क्या बच्चा क्या बूढ़ा, मुंह पर पट्टी लगा हरदम, सबका घुटने लगा दम। चाहते हुए भी मिल ना सके हम, जाने कब होगा ये बुरा वक्त खत्म। वायरस इतना हो गया मजबूत, घर रहने को हम मजबूर। हाथ मिलाने से लगता डर, करे नमस्ते हाथ जोड़कर। आओ इसको फैलने से रोकें, सबका इस परीक्षा में झोंके। अलग रहकर भी एक साथ लड़ें, ताकि कोरोना को खुद रोना पड़े। थैंक यू एवरीवन एंड आई होप दैट यू लाइक आवर वीडियो। फ्रेंड्स, योर ग्रेट एक्ट वाज अ ट्रू रिकलेक्शन ऑफ आवर शेयर्ड फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। थैंक्स अ लॉट। At times, it can be difficult to feel positive about. And in most our opinions, the unprecedented times of 2020 are one among such. But it is all about the perspective, no? If we see it in a positive light, we will find out that this pandemic era has given us an opportunity to realize and recognize who is important to us. We have been reminded of how much our loved ones mean to us and the importance of the time that we spent with them. Our next performance, A Nukkad Natak, is also centered around the same. लेकिन हर चीज को देखने के दो रास्ते होते हैं, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। आज मैं मानव वंश प्रयाग और दरिश आपके सामने के सकारात्मक पहलू के ऊपर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे विचारों से सहमत हैं। नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, आज रात से 12 बजे से लेकर आपके लिए 21 दिनों का लॉकडाउन हो रहा है। याद रहे, कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले, कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले। लॉकडाउन क्या है? क्या है ये लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आया, छुट्टियां आया।
जाना है। मेरे पापा की शॉप बंद हो गई, अब वो सारे दिन मेरे साथ घर पर रहते हैं। अरे भाई मेरे पापा की तो शॉप, मेरे पापा का तो ऑफिस ही बंद हो गया। सारा दिन लैपटॉप से काम करते हैं और तो और सारा दिन मजे करते हैं। भाई लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? अरे इतने सालों से जोड़ा है, एक महीने थोड़ा कम खर्च कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बात तो कुछ नहीं कह रहा है। अरे भाई देखो अखबार में क्या छपा है। अरे सोनू सूद ने जरूरतमंद लोगों को घर पहुंचा दिया। अच्छा तुम्हें पता है अक्षय कुमार और उधर टाटा ने तो देश को बहुत सारा डोनेशन भी दिया है। इससे पता चलता है कि अभी भी लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा है। मदद को निकले कई मत बना, इंसानियत का जज्बा दिखाया। Wonderful. For every one of us, a holiday means bundles of joy, fun and cheer. The same is being projected in Ananya Jain's exciting mono act. Have a look. Mamma, jaldi aao. Dekho, Modi ji ne 21 din ka lockdown declare kar diya hai. Matlab 21 din tak no school, no padhai, only maza. जियो कोरोना जियो, जय हो मोदी जी जय हो। हाँ बेटा मोदी जी तो पूरे भारत का लॉकडाउन बोल रहे हैं, तो तुम्हारी भी छुट्टी हो गई और मेरी भी छुट्टी। ना कुछ मसालेदार खाना है, ना बाहर कोई जा सकता ना आ सकता, तो आप गोलगप्पे बना दो ना प्लीज मम्मा प्लीज, बहुत मन कर रहा है। लो जी मैडम को अब गोलगप्पे खाने हैं। बेटा कोई गोलगप्पे गोलगप्पे नहीं बन रहे, इम्यूनिटी वाला पानी पी लो पहले। मैंने तो सोचा था कि लॉकडाउन में थोड़ा आराम करने को मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ी ना पता था कि काम वाली का भी लॉकडाउन है। अब दिन भर ये बर्तन मांजते रहो, कभी झाड़ू कभी पोछा। अनन्या तुम्हारे स्कूल से मैसेज आया है, कल से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो वैसे हम माओ के लिए भी अच्छा ही है, थोड़ी शांति तो मिलेगी। क्या दिखाओ? मतलब अब हमें लैपटॉप और मोबाइल पर भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। लो बेटा ब्रेकफास्ट ले लो। अरे मम्मा रुक जाओ ना, क्लास चल रही है, अभी कैसे खाऊं? अरे खा ले चुपचाप। कौन से तेरी मैडम को पता चल रहा है कि तू ब्रेकफास्ट खा रही है, क्या कर रही है? मम्मा वैसे ये ऑनलाइन क्लासेस है तो बढ़िया, मैम को पता भी नहीं चलता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और जब वॉशरूम जाना हो तो मैम से पूछना भी नहीं पड़ता। मैम मे आई गो टू वॉशरूम? बेटा जल्दी उठ जाओ, क्लास का टाइम हो रहा है, फिर लेट हो जाओगी। हाँ उठ रही हूँ, लॉगिंग कर लिया है और वैसे भी अटेंडेंस से लगा दिया ना, तो अब मैं सो ही जाती हूँ वापस, क्या फर्क पड़ता है। अनन्या अनन्या यस यस मैम, वेयर आर यू? मैम आर यू श्योर? यस मैम ओके। आज तो बार बार बज गए, वरना पकड़े जाते और हो जाता। लो जी वर्क फ्रॉम होम का भी ऑर्डर आ गया है, अब
हेलो यस सर, हाँ सर बस 10 मिनट में आपको ईमेल करती हूँ, बस 10 मिनट सर। ओके सर। मम्मा खाना दे दो जल्दी से, फिर एक्स्ट्रा क्लास भी है मेरी। बेटा 10 मिनट रुक जाओ, अभी मैं अपना ऑफिस का काम कर लूँ, ईमेल भेजूँ, फिर तुम्हें खाना दूँगी। दिन भर बस यही काम है, अभी ऑफिस का काम खत्म हुआ तो अभी किचन का आ गया, फिर ऑफिस का आ जाएगा। क्या जिंदगी रह गई है मेरी, दिन भर झाड़ू पोछा बर्तन बस यही रह गया है, ऊपर से इन बच्चों के अलग ये बना दो वो बना दो, बस पूरा दिन यही काम करती रहती हूँ और कुछ तो होता नहीं है। बस भाई बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा ना मैं कर सकती हूँ और ना मेरे से होएगा। मम्मा कहा मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर किया था और अब तो 9 मंथ्स होने को आ रहे हैं, सब कुछ खुल गया, आपका ऑफिस, पापा का ऑफिस है, तक कि मॉल्स मार्केट सब खुल गए, बट हमारे स्कूल ही क्यों नहीं खुले। वैसे एक तरीके से मोदी जी ने सही किया, क्योंकि हम बच्चे तो इतनी अच्छे से सेफ्टी रूल्स फॉलो तो कर नहीं सकते ना, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, और अगर नहीं करेंगे तो और कोरोना बढ़ जाएगा, फैमिलीज को भी ट्रबल में आ जाएंगी, तो एक तरीके से मोदी जी ने ठीक ही किया। स्टे सेफ बी सेफ। हाँ बेटा तुम सही कह रही हो, इसलिए तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस नहीं खुले, ऑफिसेस इसलिए खुली है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तो जरूरी है ना। तो अब हम सबको, चाहे बड़े हो या छोटा, हम सबको कोरोना सेफ्टी गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो करनी चाहिए, ताकि हम खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरे भी सुरक्षित रहे। थैंक यू अनन्या, यू वर स्प्लेंडेड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट दिस पेंडेमिक ब्रॉट इन टू आर लाइव्स वॉज अ change in the mode of learning, a shift from offline to online classes. And for this, we, the students, are extremely grateful to our teachers, technical staff, and the administration for making every possible effort to ensure that the students have a smooth adaptation to the new normal. So, for the sake of appreciating each other, let us now proudly sing our DPS song. Yeah.
It is now time to call upon our Honorable Principal, the backbone of our institution, Ma'am Sunita Chopra, to extend her best wishes for this coming new year. I extend my warm greetings to all of you on the occasion of the New Year Eve. As we greet the new year, it is time to ponder on the academic session 2020-21. This indeed was a year of innovation. The pandemic year was a year of learning, of virtual ways of teaching, of celebrating virtual festivals, of holding special assemblies in a virtual way. We did it all. So many things which we took for granted for lack of time became an important part of our life, be it remaining fit and healthy, spending time with our family members, taking care of the elderly members in the family, enjoying homemade food, and so forth. The appreciation for our teaching faculty. They adopted the new method of teaching with so much passion and commitment that we were left in awe. In fact, they came up with new ideas so that we do not miss out anything which we're doing in normal schooling. The only difference was that it was virtual. Our belief in our faculty has been further strengthened this year, that they are ready to take up any challenge and fulfill their commitments with dedication, how uphill the task may be. May God restore peace in the world. May the coming year bring a lot of happiness and cheer to all our dear ones. May the school fill up with the laughter and chatter of our children. God bless you all, wishing you all a happy new year. Thank you, ma'am. Your words mean a lot to us. Tough times always bring us some lessons. And our DPS family has also taken out some of the most significant lessons out of this year. So, here we go for a resolution, setting plans and goals for a bright, happy and proud year ahead. Having experienced the year 2020, we are all ready to enter the 21st year of the 21st century. And yes, it's the time to take a call and elect our new year resolutions. Greetings to all. I am Parth Verma from class 11A. And yes, my new year resolutions are: first of all, I will reduce my screen time, read more books, give less strain to my eyes, and will execute healthy studies. As it is rightly said, a healthy mind resides in a healthy body. And yes, therefore, to keep my body and my soul fit, I'll execute a daily workout schedule. With a new beginning, new hope, new focus, new mindset, I wish you all a very happy new year. Thank you. 2021 is indeed the year that's carrying many hopes with itself. After a very strange experience of 2020, we all hope that the new year brings happiness and joy to our lives. As the year is coming to an end, it's time to make a new start, and the best way of doing so is by taking new year resolutions. I'm Shivan Shadav of class 11A, and I'm here to pledge my new year resolutions. Firstly, I'll try to use my time more smartly and get the most results out of the time that I have. Also, for almost a year, my diet has not been very healthy, but this year, I'll try to include healthy fruits and vegetables in my diet. I have undertaken many hobbies in the past year, and I hope to continue and grow in those fields in the upcoming year. Just taking new resolutions is not enough. So my last resolution is to abide by all the resolutions that I have taken today. Thank you and a very happy new year. Hey, I am Akshit Srivastava from class 11A, Delhi Public School, Rewari. As year 2021 is around the corner, it's time for a fresh start by taking new year resolution. And according to ongoing pandemic situation, I think health is the most important asset anyone can have right now. So I think it will be literally everyone's first resolution to take better care for themselves and lean towards a healthy life. And so is mine too. My second resolution is to plant more trees and take better care of our Mother Nature. My third resolution is to spend a lot more quality time with my family. Thank you. Stay safe. Stay healthy.
Hi everyone, this is Shashwat Goyal here. The year 2020 has been a bad one, full of loneliness and boredom. But we all know that life gets interesting when we start something new. Since the year 2021 is round the corner, it gives us a golden opportunity to have a new beginning, start things fresh and make some new year resolutions, which will help us to eliminate our bad habits and take in good one. Seeing the pandemic situation today, taking care of oneself become very important. Thus, I resolute to always use a helmet whenever on a two-wheeler and tie a seatbelt in car. I also resolute to increase my study time, develop my communication skills and explore new fields. I also resolute to assist my family in daily chores. I suggest you all to also take new resolutions. It will definitely help you to become a better you. Thank you. Last but not the least, now we have a very special performance, a group instrumental song. This is special because the students have put in so much efforts to coordinate with their instruments sitting at different places. We will all enjoy it a lot. It is a new day and a new year. Shout it out loud, sing with the crowd. Celebrate, cause good things are coming. New opportunities are at the door. Hold your head up, drop the sorrow. No regrets now for tomorrow. It's a new chance for a new life. Everything that you've been waiting for. The future's bright now, as things turn over. The possibilities around the corner. New innovation with new creation. All the good things that we have in store. Now it's a brand new. It's not coming here, it's already here. Now it's a brand new day, and it's a brand new year. So sing and be happy and share the good cheer. It's not coming here, it's already here. It's time to dream, bigger dream. Where impossible is not hard as it seems. And live in high hopes throughout your day. And know that happiness is quickly on its way. We're moving forward, we're going higher. We're reaching things that we formerly just desired. Fun and excitement, it fills the air. And there's more than enough for us to share. Now it's a brand new day. And it's a brand new. It's not coming yet, it's already here. Yeah, it's a brand new day. And it's a brand new year. So sing and be happy and share the good cheer. It's not coming yet, it's already here. Tomorrow is the first page of a 365-page blank book. Fill this with a good one. May this new year bring you lots of happiness, warmth and enlightenment to guide your path to some great destination. Best wishes from DPS family. Thank you so much for your distinguished presence.